गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इस 9th एडिशन के एनवायरनमेंट की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, उसका पार्ट 3। आइए, शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, अब इसके अंदर हम स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन को हमने लास्ट वाले पार्ट्स में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, वाटर पोल्यूशन होता क्या है पहले यही समझ लीजिए। वाटर का पोल्यूशन, जब आप पानी में आप ऐसे कोई पदार्थों को ऐड कर दो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट, कुछ भी हो, इन सब के उस पानी में आने से उस पानी की जो क्वालिटी है वो कम हो जाए और ये ऐसा हो जाए कि ये किसी भी यूज़ के लिए अनफिट बन जाए, सही ना हो, किसी उपयोग में आने के लिए स्वच्छ पानी ना रह जाए, तो हम इसको कहते हैं क्या, वाटर पल्यूट हो गया, दैट इज़ वाटर पल्यूशन। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक, तो अब आप ये सारी चीज़ें कहेंगे कि मिल जाती हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कुछ पानी की आप बात कर रही होंगी जो रिवर है या स्ट्रीम है या सी है या ओशन है, मतलब आप ऐसी बात कर रही हैं ना कि जो सरफेस वाटर है। नहीं नहीं नहीं, सरफेस वाटर तो है ही है, इसके अलावा सी, ओशन, ग्राउंड वाटर, हर एक तरह से ही, हर एक पानी को जो है वो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसकी भी क्वालिटी डिग्रेड होती है, तो वो भी पल्यूट हो जाता है, इवन ग्राउंड वाटर भी हो जाता है। ये सारी बातों को हम यहाँ पर बहुत डिटेल से समझेंगे। तो आप कहेंगे मैम क्या सोर्सेज, कहाँ से पानी जो है भैया इतना ख़राब हुआ जा रहा है। देखिए, दो तरह के सोर्सेज हैं, एक तो है पॉइंट सोर्सेज और एक वही जो मैंने बताया कि नॉन पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स का मतलब जिसको आप पता लगा सकते हो कि यहाँ से गंदगी निकल रही है और यहाँ आके मिल रही है, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स कि इतना इनडायरेक्टली चीज़ें हो रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली ये गंदगी निकली कहाँ से थी जो आज यहाँ मिल गई। ठीक, तो अब हम पॉइंट सोर्स की पहले बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक इन्फ्लुएंस डायरेक्टली आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पलूटेंट जो है वो ट्रैवल डायरेक्टली कर रहा है, ये सोर्स से आ रहा है, सीधा पानी में आके मिला जा रहा है। मतलब अगर आपने पता लगा लिया कि यहाँ से ही जो है वो गंदगी निकली है, तो आप इसको रोक सकते हो, ये एक कंपैरेटिवली इजी है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। फिर आता है डिफ्यूज़ या नॉन पॉइंट सोर्स। अब ये देखिए, ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हो सकता है, ठीक है ना, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको रेगुलेट करना। अब हमें पता ही नहीं है कहाँ से क्या निकल रहा है, कहाँ से क्या मिल रहा है, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कहेंगे मैम थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल दे देती तो मज़ा आ जाता है ना। तो एक तो सबसे बड़ी बात आती है भैया, एक हम ही लोग हैं, अपने ऊपर एग्जाम्पल रख लो, कम्युनिटी वेस्ट वाटर। देखो, जो घरों से गंदा पानी निकल रहा है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से पानी निकल रहा है, और ये कनेक्ट हो रहा है पब्लिक सीवेज में, ठीक। अब वहाँ से ये पब्लिक सीवेज सिस्टम में कनेक्ट हो गया। अब सीवेज के अंदर तो आप देखते हो कि ह्यूमन, एनिमल सबका एक्सक्रीटा भी होता है, फूड भी बचा कुचा, इसके भी रेसिड्यू होते हैं, क्लीनिंग एजेंट भी इसी में बहे चले आ रहे हैं, घर में कपड़ा लत्ता धो रहे हो वो भी आ रहा है, डिटर्जेंट भी आ रहे हैं, दूसरे वेस्ट भी आ रहे हैं, सब मिले जा रहे हैं, समझे। तो एक तो कम्युनिटी वेस्ट वाटर आपने मेरे में बताया, और दूसरा जो है वो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब इंडस्ट्रियल वेस्टेज में क्या है, जैसे इंडस्ट्रीज भी तो निकालती है ना अलग अलग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को, जो हो सकता है बहुत जहरीले हों किसी जो है जीव जंतु के लिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, एक प्रोसेस के बारे में बता दूँ, बॉक्स में दिया हुआ है, प्रोसेस को बोलते हैं प्रोट्रेसिबिलिटी। एक बार मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, अगर आपके पास ये नया एडिशन नहीं है तो आपके लिए कंपेरेटिवली इजी होगा चीज़ों को जाना, PUTRECIBILITY, ठीक है ना, प्रोट्रेसिबिलिटी। ये क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट होता है उसे डीकम्पोज कर दिया जाता है, किसके द्वारा कर दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कैसे, ऑक्सीजन का यूज़ करके, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ये। अच्छा, अब हम आगे समझें, इसके पहले एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, पहले उसको आप समझो। देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कैसे निकल रहे हैं ये हम थोड़ा सा इस एक बॉक्स के माध्यम समझते हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्री सबसे पहले बताया गया है, तो जैसे मानो कि हम माइनिंग की बात कर लें, ठीक है, तो माइनिंग में जो आपका
पहला वाला हम देखते हैं क्या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है ना। तो माइनिंग के अंदर जो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उनमें माइन वेस्ट में आपका क्लोराइड्स आ जाता है, बहुत सारे मेटल्स हैं, फेरस सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, सरफेस वॉश ऑफ, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, क्लोराइड्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए। और यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की तो फिर इसमें से कुछ नहीं निकलते, माइनिंग की बात कर ली। अब आयरन और स्टील की बात करें तो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट में सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, आयरन साइनाइड हो गया, थियोसाइनाइड हो गया, सल्फाइड्स हो गए, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, ये सब आ गया इसके अंदर। और ऑर्गेनिक जो इसमें निकलता है वो ऑयल हो गया, फिनॉल हो गया, और इसके अलावा नेप्था हो गया। अच्छा, फिर तीसरी जो इंडस्ट्री है वो है केमिकल प्लांट्स। अब केमिकल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो भैया बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक निकलता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, एल्कलीज होती हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स ऑफ मेटल्स, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, सिलिका, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, बहुत चीज़ें इसमें से निकलती हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो अरोमेटिक कंपाउंड सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, नाइट्रो कंपाउंड डाइज वगैरह इसमें से निकलती हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल में इनऑर्गेनिक तो कुछ नहीं निकलता, ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह निकल आती हैं। उसके बाद सोप और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री से यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जो निकलता है वो निकलता है टर्शरी अमोनियम कंपाउंड एल्कलीज, और ऑर्गेनिक में निकलते हैं फ्लैट्स एंड फैटी एसिड्स, आपका ग्लाइसरॉल, पॉली फॉस्फेट्स, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग में भी साथियों इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं निकलता, ऑर्गेनिक में जो है वो हाईली जो प्रोटेसिबल ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेंस निकलते हैं। लास्ट में जो इंडस्ट्री हम बात करेंगे वो है पेपर एंड पल्प की, जिसमें इनऑर्गेनिक में जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो सल्फाइड ब्लीचिंग लिक्विड्स निकलते हैं, और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट निकलते हैं उसमें सेल्यूलोज फाइबर्स, बार्क, वुड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह निकलते हैं। तो ये कुछ चार्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट ये कर लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है, यहाँ जो है आई थिंक पीपीटी में कटारे डाला नहीं। चलो खैर, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो हम सोर्सेज की बात कर रहे थे, हमने पॉइंट सोर्स बताया था आपको, फिर आपको मैंने नॉन पॉइंट सोर्स बताया था, दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसमें जो तीसरा है वो है एग्रीकल्चर सोर्सेज, ठीक है ना, एक और वजह है वो है एग्रीकल्चर सोर्सेज। अब ये क्या है, एग्रीकल्चर से वाटर पोल्यूशन का ये ताल्लुक है भाई कि फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई ऊपर तो फील्ड में डाल रहे हो, रिस्क के अगर पानी अंदर वाले पानी तक, ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया लीचिंग के प्रोसेस से, तो ये हो सकता है ना, या जो अंदर तक पहुंच गया, और या ऐसा हो जाए कि सरफेस वाटर के साथ मिक्स हो जाए रिवर्स के, लेक्स के, पॉन्ड्स के, कैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से बह बह के या ड्रेनेज के माध्यम से, तो यहाँ पर ये मिल गया, अब मिल गया ना पानियों में। अब देखो, हाँ भी तो समझ गए हम कि इसमें बड़ी अच्छाई है, तो क्रॉप के लिए है ना, बाकी इसके अंदर पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड हो सकता है, फंगीसाइड्स हो सकता है, हर्बीसाइड्स, नेमेटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, सॉयल फ्यूमिजेंट्स, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और इनमें बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मेटैलिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ कार्बोनेट्स, थियोकार्बोनेट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिडिक एसिड वगैरह, तो बहुत सारे जो ये पेस्टिसाइड्स हैं ये नॉन डिग्रेडेबल है, ख़त्म नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, एंड जो ये बचे कुचे हैं इनके रेसिड्यू, इनके पार्टिकल्स, ये जीवन भर रहेंगे। ठीक है, अच्छा कोई चीज़ होती है एनिमल का एक्सक्रीटा, जैसे कि ये गोबर वगैरह, डंक हो गया, वेस्ट हो गया पोल्ट्री फार्म से, पिगरीज, स्लॉटर हाउसेस हो गए वगैरह, ये भी पानी तक पहुंच जाते हैं बह बह के। और सरफेस लीचिंग के अंदर से रेनी सीजन में, भैया देखा नहीं है सड़क पे भी अगर देखोगे तो गोबर पिलपिला हो जाता है कि नहीं, तो वैसे ही मान लो ये सब बह बह के बारिश के मौसम में सब, ये सब भी सरफेस वाटर पे पहुंच के वाटर को पल्यूट करते हैं। चलो ये एक, चलो छोटी मोटी चीज़ें, डंक वगैरह में इतना नहीं होता, बट लेकिन वो तो नेचुरल चीज़ें हमेशा कम इम्पैक्ट डालती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मैन मेड जो चीज़ें होती हैं ना वो तो और ही मुसीबत कर देती हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन की, है ना। थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो मेन सोर्सेज जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हैं, अब समझिए मेन सोर्सेज जो थर्मल पोल्यूशन के हैं वो हैं, एक तो भैया हो गया थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो पावर प्लांट होते हैं वो पानी का यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, है ना। अब कूलेंट यूज़ करा तो वहाँ पे यूज़ हुआ और ये पानी हो गया बहुत गर्म, एकदम जो है हॉट हॉट, और ये हॉट हॉट पानी जो है वो जहाँ से आया है वहीं वापस इन्होंने बहा दिया। तो अच्छा बाबा बताओ, एकदम से जहाँ तुम बहा दोगे तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का टेम्परेचर तो एकदम से बढ़ जाएगा ना। तो बेचारी अंदर जो मछलियाँ रह रही हैं, जो और पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो तो मर जाएंगे, उनको तो आदत नहीं है ना इतना टॉलरेट करने की। पता नहीं क्या हो गया, इंसान को इतना पढ़ता है तब भी इसको पढ़ाई की तरह लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता भाई। चलो भाई नेक्स्ट आता है अंडर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो मैम पानी के स्तर, जो स्तर वाला है वो तो समझ आता है, पानी अंदर वाला कैसे पल्यूट हो जाता है। देखो भैया, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर को खतरा है। क्यों? क्योंकि कहीं वो ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री से जो सीपेज निकला उसमें मिल जाए, म्यूनिसिपल वेस्ट उसके अंदर मिल जाए, सीवेज चैनल्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ, किसी के माध्यम से अंदर पहुँच गया पानी तो बस फिर तो लो जो अच्छा पीने लायक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे मरीन पोल्यूशन की। तो देखो भैया होता क्या है, चाहे जितने भी पानी की स्ट्रीम वगैरह सब मिल तो जा के रही है ओशन में ना, ओशन एक ऐसा है, समुद्र ऐसा है कि जो सारे नेचुरल और मैन मेड पोल्यूशन को संभाल लेता है। रिवर्स होती हैं वो भी अपना पोल्यूटेंट जाके सी में डाल देती हैं, सेवरेज और गार्बेज जो कोस्टल सिटी का होता है वो भी सी में ही डंप कर देते हैं। जो दूसरे सोर्सेज और ओशनिक पोल्यूशन के हैं वो, जैसे मान लो नेविगेशनल डिस्चार्ज हो गया, अब वो शिप आ रही है, शिप आ रही है, वहाँ से ऑयल निकल गया, ग्रीस, डिटर्जेंट, सीवेज, गार्बेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑफ शोर ऑयल माइनिंग होती है, ऑयल स्पिल्स हो जाती है, सबसे खतरनाक है। तो ये सब वजह है मरीन पोल्यूशन के। अब ये ऑयल स्पिल्स क्या होती हैं मैम, आपने क्या बता दिया। देखो भाई सीधी सीधी बात है, बहुत खतरनाक चीज़ है वाटर पोल्यूशन के लिए। अब हुआ क्या कि एक शिप के अंदर ऑयल भर के टैंकर से जा रहा था एक सी के माध्यम से, हाँ, और हुआ क्या कि अब ये वहाँ कहीं किसी भी वजह से ठीक लीक हो गया या कोई बात हो गया, उसका जो स्टोरेज टैंक है उसमें से कुछ लीकेज होने लगा, फट गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और सीधी सीधी बात है कि ये बहुत तेज़ी में फैला, बहुत ही कम वक्त में, और इससे क्या हुआ कि अब सीन क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो जो बह के जाता है वो पानी से ज़्यादा लाइट होता है, हाँ। तो ये क्या करता है कि सरफेस के ऊपर पानी के बहता रहता है, ऊपर आ गया, अब ये ऊपर ये पानी है, पानी के ऊपर वो जो है ऑयल बिल्कुल उसने कवर कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ऑयल स्पिल जो सी में होता है उससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है पानी के अंदर, और इससे क्या होता है भाई कुछ अंदर आ ही नहीं पाएगा ना, सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म को हार्म होगा, एयर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है इससे, ऑयल स्पिल से, ऐसी बात नहीं है। पता है ऑयल स्पिल जो टैंकर से निकलती है सी में या लीक्स कर जाए फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, लैंड में भी, सी में ही तो होती होती, लैंड में भी अगर मान लो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज टैंक उससे लीक कर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना, पानी को बहुत तेज़ी में, सॉरी तेल को, क्योंकि बहुत तेज़ी में एकदम से फैलने लगता है, बहुत बड़ा एरिया बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेगा। और लैंड क्रूड को जब मान लो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप पाइपलाइन से, ये तो मैंने आपको समुद्र वाला तो बता दिया कैसे टैंकर में क्या हो गया ना, शिप में क्या दिक्कत आ गई, लेकिन अगर आप यहाँ भी समझो कि पाइपलाइन के माध्यम से आप जो है इसको क्रूड ऑयल को मान लो भेज रहे हो, तो टैंकर्स अगर मान लो डैमेज हो गए और क्रूड ऑयल जो है वो फैल गया तो इससे क्या होगा ना, सब एकदम से कवर कर लेगा, वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा, ठीक है। तो पानी और लैंड दोनों में ही ऑयल स्पिल्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छा अब बात करते हैं कि आखिरकार अगर वाटर पोल्यूशन हो गया तो उससे क्या ही इफ़ेक्ट आ जाएंगे, क्या मुसीबतें आ जाएंगी। मैम देखो भैया, सबसे पहले हम पानी में रहने वाली जो ज़िंदगी है जिसे हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं उसके बारे में समझते हैं कि इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए जब वाटर पल्यूट होता है तो उसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लैंकटन्स हो गए, मोलस्कस हो गए, फिश वगैरह हो गई, वो बेचारे मर जाते हैं क्योंकि उनको इनफ ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि ट्यूबीफेक्स, एक एनीलिड वॉर्म है ये,
तो ये जो है या कुछ और ऐसे इंसेक्ट हो गए जैसे लार्वी वगैरह, मतलब इंसेक्ट लार्वी हो गए जो सरवाइव करते हैं हाईली पोल्यूटेड वाटर में, और जहाँ पे कम भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है तब भी ये जी लेते हैं। और ऐसे स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिकेटर होते हैं, वो आपको दिखाएंगे, अगर ये सब जिंदा हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वाटर पोल्यूटेड है। खैर, तो अब आप समझे अभी कि ये ऐसी फिशेज वगैरह बेचारी परेशान हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि बायोसाइड्स, देखिए बायोसाइड्स, पॉली क्लोरिनेटेड बायोफिनल, उसके अलावा हैवी मेटल्स, ये डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं सेंसिटिव एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। तीसरी बात क्या होती कि अगर भाई एकदम से हॉट वाटर डाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया इंडस्ट्री से आपने वाटर बॉडी में, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, इससे भी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है ये कम हो जाता है। तो ये चीज़ समझिए आप। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा ये भी समझ लो भैया। तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या नहीं असर पड़ता, देखो पानी अगर पोल्यूटेड है तो उसमें क्या क्या होंगे चीज़ें मालूम है, पैथोजेंस होंगे जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, वॉर्म्स होंगे। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत से पानी से जो डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है, एम्यूबाइसिस हो जाता है, इन सब से खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वेस्ट वाटर के अंदर मरकरी के कंपाउंड्स बहुत होते हैं और ये कन्वर्ट करे जाते हैं बाय बैक्टीरियल एक्शन, और इससे ये बन जाते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली टॉक्सिक जहरीली मिथाइल मरकरी। और ये क्या करती है, बहुत सारी नंबनेस ला लेती है लिम्स में, लिप्स पे, आपकी ज़बान पे, आप बहरे भी हो सकते हैं, आपका विजन ब्लर हो सकता है, मेंटली आप जो है डीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पानी में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा ना, इटाई इटाई डिजीज़ हो जाएगा, जिसे हम लोग आउच आउच डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब एक इतना दर्दनाक डिजीज़ होता है, बोन्स में होता है, जॉइंट में होता है, इवन आपको लंग्स और लीवर का कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो लेड मिला है पानी के अंदर, है ना, तो इससे एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, ब्लूइश लाइन हो जाएगी आपके जो मसूड़े हैं उनके आसपास। तो ये सब खतरनाक बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, एक एक बहुत ही खतरनाक क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी होती है जिसे कहते हैं हम लोग, ये आपने सुना होगा इसका नाम, मीना माटा डिजीज, है ना। ये पता ही कब होता है, अगर आपने मान लो ऐसी मछली को खा लिया है जो मछली मरकरी कंटेमिनेटेड मीना माटा बे जो जापान में है वहाँ से जो है निकाली गई है ना, तो ये जो है समझिएगा ये क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी कॉल्ड मीना माटा डिजीज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ अ फिश कैप्चर्ड फ्रॉम, मतलब खैर यहाँ से एक फिश कैप्चर हुई थी आपकी मरकरी कंटेमिनेटेड मीना माटा बे जापान के अंदर, वहाँ से ली गई थी और उसको खाने से एक बंदे को ये डिजीज हुआ था, और 1952 की ये बात है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। एक तो हम डीओ के बारे में, डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर बीओडी और सीओडी। अब ये क्या है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। देखो, अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर अगर, तो इससे मैंने बताया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है, और जहां पे पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 mg L1 से कम हुई तो ये माना जाता है कि ऐसा पानी कंटेमिनेटेड है, पोल्यूटेड है, ठीक। तो ऐसा पानी जिसमें डीओ कंटेंट जो है वो 4.0 mg L1 से कम होता है, ये हाईली पोल्यूटेड पानी माना जाता है। तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना है पानी के अंदर तो। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर जैसे कि ऊपर मान लो सर्फेस पर टर्बुलेंस, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, उसके अलावा ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑर्गेनिज्म या डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अमाउंट डीओ का जो पानी में प्रेजेंट होता है उसको बताते हैं। जितना ज़्यादा वेस्ट बढ़ेगा उतने ज़्यादा रेट डिकम्पोजिशन का बढ़ेगा, और उतना ही वो जो डिकम्पोजर्स हैं वो जो ऑक्सीजन है वो और ज़्यादा लेंगे डिकम्पोज करने के लिए। इसलिए पानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो ख़त्म होती जाएगी, और जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट से। एंड
इसमें क्या होता है एंड इम्प्रेस एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो मैंने BOD बताया वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे कम हो गया, समझ लो मामला। अब और ये जो है और पढ़ने लग गए। अब देखो वाटर पोल्यूशन जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, इसको आप कैसे मेजर करते हो, वो मेजर आप करते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। तो जो BOD है ये अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है जिसकी ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया को डीकम्पोज करने में ऑर्गेनिक वेस्ट को जो प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, और इसको एक्सप्रेस करा जाता है मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप देखोगे कि BOD है उतना समझ लो कि होगा आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, मतलब डिमांड अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इसका मतलब कि कम है, ठीक है, इतनी बात समझ में आया। इसलिए देर इज नॉट ओनली अ रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग पोल्यूशन लोड इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक और चीज़ कि एक और आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD जिसको कहते हैं। ये स्लाइटली थोड़ा अच्छा तरीका है अगर आपको पोल्यूशन का लोड पानी में पता करना है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मेजर करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी फिर समझ लो क्या मैं कह रही हूँ कि इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। तो इतनी जितनी जो है उस हिसाब से मेजरमेंट करा जाता है ऑक्सीजन का। चलो बात समझ आई कि क्या हुई। अब यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ते हैं कि क्या खतरे हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के, ठीक है। हजार्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, समझते हैं क्या समस्या आएगी। देखो अगर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो समझ लो कि आप ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, हो सकता है छोटे बच्चे जो हैं वो मर भी जाएं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे बहुत एक्सेस अगर मान लो नाइट्रेट हो गया, बहुत एक्सेस अगर मान लो नाइट्रेट हो गया ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने लगता है। किसके साथ रिएक्ट करने लगता है, हीमोग्लोबिन के साथ करता है, और ये नॉन फंक्शनल मीथेन मोग्लोबिन बना देता है, ठीक है ना, मिलता है ये ऑक्सीजन एंड इम्पेयर करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ रुकेगा, ये कहेगा भैया रुको तुम्हारा जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हम रुकावट बनने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, मिथाइमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बारे में आपने सुना होगा कि जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम तो आपको पक्का ही कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या होता है, ये तब होता है भैया जब एक्सेस नाइट्रेट हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर में और ये रिएक्ट करता है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ में और ये फॉर्म करता है नॉन फंक्शनल मिथाइमोग्लोबिन, है ना, और ये इम्पेयर करता है किसके साथ मिला, ये मिला आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ, और इस कंडीशन को हम जो मैंने बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा अब समझिए कि बहुत ज़्यादा अगर फ्लोराइड हो गया ड्रिंकिंग वाटर में तो इससे क्या होगा, इससे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो जाएंगी, भैया गैस बनती है इसके अंदर, अल्सर हो जाता है, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। टीथ डिफॉर्मिटी हो जाएगी कि मतलब सीधी सीधी बात है कि जो है खट्टा खट्टापन भी आपको लगेगा, ऊपर खाबड़ भी हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है। उसके अलावा हार्डनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, स्टिफ और पेनफुल जॉइंट होते हैं जिन्हें हम लोग स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं, है ना। तो चलो ये दिक्कत है। अब मान लो फ्लोराइड आयंस की मात्रा अगर बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाती है ना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो ये हमने देखा है कि बहुत ख़तरनाक है, और हमारे यहाँ ये 13 स्टेट्स में देखा जा रहा है भारत के अंदर। मैक्सिमम लेवल जो फ्लोराइड का जो ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है आपको मालूम है, वो 1.5 पार्ट्स पर मिलियन ही होता है, ठीक है। और मतलब ये समझ लो कि लॉन्ग टर्म अगर फ्लोराइड आयंस घुसते रहे तो उससे आपको फ्लोरोसिस भी हो जाएगा, ये सब कुछ समस्याएँ हैं। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, इसी में ही आगे समझते हैं कि देखो अगर ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया है ना, तो इससे क्या होगा, लीचिंग होगा आर्सेनिक का फ्रॉम सॉयल रॉक सोर्सेज एंड कंटामिनेट करेगा ये भाई ग्राउंड वाटर को। और अगर भैया बहुत ज़्यादा आर्सेनिक मिल गया तो इससे आपको ब्लैक फुट डिजीज़ भी हो जाएगा, इससे डायरिया हो जाएगा, पेरीफेरल
न्यूराइटिस हो सकता है, हाइपर कैरोटोसिस होता है, लंग और स्किन कैंसर भी होता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। और एक बात बताऊँ आपको, आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत, मतलब आर्सेनिक तो समझ लो बहुत ख़तरनाक है, अगर इसमें पानी मिला है, इसमें पानी में मिल गया है तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और ये हमने ट्यूबवेल डग एरियाज में देखे हैं जो गंगा डेल्टा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, इसे बहुत सीरियस आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ लोगों को हुई है। मालूम है 2007 में एक स्टडी हुई थी, उसमें यह पता चला था कि 137 मिलियन लोग मोर देन 70 कंट्रीज के प्रोबेबली अफेक्ट हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग से ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। तो ये कुछ वजहें हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है एक जो है पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि क्या है यूट्रोफिकेशन, हमने प्रॉपर डिस्कस करा है अपने पास चैप्टर्स में। चलो कंट्रोल मेजर्स को पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक बॉक्स समझा देते हैं, डू यू नो वाला कुछ ज्ञानवर्धक बातें दी गई हैं। तो भाई इसमें कह रहा है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये करा जाता है और लिखा जाता है एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर्स एट येल एंड कोलंबियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और इसमें बाहर के साइंटिस्ट से जो है वो असिस्टेंस भी ली जाती है। अलग अलग पार्ट्स ट्री के जो है ट्री को ग्रो करने के अलग अलग टाइम्स में ईयर के टिपिकल पैटर्न, ये सबसे मोस्ट ऑफ द क्या होगा, मोस्ट ऑफ द आपका फॉयलेज ग्रोथ टू अकर इन द स्प्रिंग, ऐसे देखा गया है कि स्प्रिंग में सबसे बढ़िया जो है एकदम घनत्व ग्रोथ होती है। उसके बाद ट्रंक ग्रोथ समर में होती है, रूट ग्रोथ जो है वो गिर कम हो जाती है आपका और विंटर के अंदर। तो सारे ट्रीज़ जो है वो सेम पैटर्न नहीं देखने को मिला है, जैसे हम ये नहीं कहते कि इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, इस टाइम पे कम होगी, इस टाइम पे पत्ती गिरेगी, इस टाइम पे ये होगा, तो सेम पैटर्न हर जगह देखने को नहीं मिलता। खैर ये तो एक डू यू नो वाली बात थी। अच्छा अब कंट्रोल मेजर्स समझिए क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो आपको समझाते हैं। देखिए भैया, रिपेरियन बफर्स, ट्रीटमेंट करिए इस जो सीवेज वाटर का है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का है ना, ये करिए, इसको वाटर बॉडी में डालने से पहले इसको ठंडा ठंडा करिए, जैसे हॉट वाटर डाल रहे हो तो उसको ठंडा करो पावर प्लांट से जो रिलीज होता है, फिर डालो कहीं पे। डोमेस्टिक क्लीनिंग करो टैंक की, अपने घर में टैंक साफ रखो, स्ट्रीम्स की रिवर्स की भी करो। उसके अलावा जिससे भी आप पानी सप्लाई करते हो पीने वाला, उसको करो, ठीक है ना। तो अगर ऐसी गंदा है तो वहाँ से पीने का पानी नहीं पीना है। अब फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कम करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से यूज़ करिए, एनिमल रेसिड्यू का एज फर्टिलाइज़र। उसके अलावा वाटर हाइसिनथ, मतलब एक एक्वेटिक वीड होती है, ये पानी को साफ कर सकती है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स खुद में ले लेती है और बहुत सारे हैवी मटेरियल्स को पानी से ले लेती है। अच्छा ऑयल स्पिल जो मैंने बताया ना, उसको आप साफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली। ब्रिगोली क्या है, ब्रिगोली एक बायो प्रोडक्ट होता है, पेपर इंडस्ट्री से निकलता है, जो आपको सॉ डस्ट की तरह दिखेगा, ऑयल जैपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबसे आप जो है वो ऑयल स्पिल्स रोक सकते हो। अच्छा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वाटर पोल्यूशन के इस इशू को डील करने के लिए, तो भैया एक्शन प्लान बनाया है सीवेज मैनेजमेंट के लिए, रिस्टोर करने के लिए वाटर की क्वालिटी को एक्वाटिक रिसोर्सेज में, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया है ताकि देखा जा सके कि जो भी एफ्लुएंट डायरेक्टली रिवर्स के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज किया जा रहा है। मॉनिटरिंग नेटवर्क को सेटअप किया है वाटर क्वालिटी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है कि आप कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल कराइए, किसके लिए, फॉर क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। इशू करें हैं कुछ डायरेक्शन कि किस तरह से आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को इंप्लीमेंट करोगे। फिर इशू करें हैं कुछ डायरेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उन इंडस्ट्रीज को, और साथ में अंडर सेक्शन नंबर 18 पार्ट 1 सबसेक्शन बी ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत कुछ डायरेक्शन दिए हैं। उसके अलावा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान इंप्लीमेंट किया है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम करा है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो वाटर पोल्यूशन कंप्लीट होता है। एक डू यू नो का एक और चार्ट है, उसको आप समझ लीजिएगा कि G20 डायलॉग ऑन वाटर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शेयर करा जाता है सस्टेनेबल और रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। और पहला G20 डायलॉग ऑन वाटर ये सऊदी अरेबिया के अंदर सन 2020 में किया गया था।
तो यहाँ पे है, नेक्स्ट में हम अपने सॉइल पोल्यूशन को कवर करेंगे। तब तक आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो है ये मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स के जो है वो हैं, लिंक्स वगैरह हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ज्वाइन उनको प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल से लेके ये सब कुछ यहाँ पे आपको फेसबुक पर मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगी, और ये सब कुछ लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर जगह पर फॉलो कर लीजिए, फ़ायदे में ही रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।